मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पहाड़ियों पर अपनी टॉय एयरप्लेन चला रहा होता है। दरअसल विक्टर अपने स्कूल ग्रुप के साथ वहां पर आया था। अब ये सभी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं ताकि वो एक सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को देख सके जो 100 साल में एक बार होता था। विक्टर और उसका दोस्त वोचिक अपने ग्लासेस चेक करने लगते हैं ताकि इसकी मदद से वो सूर्य ग्रहण को देख सके। विक्टर को उसके बैग में कुछ फटाके दिखाई देते हैं जो उसने अपने साथ लाए थे। वोचिक कहता है कि जब सोलर इक्लिप्स होगा तो वो दोनों मिलकर इस फटाकों को जलाएंगे। आगे उनके ग्रुप का लीडर सभी लोगों को ब्रिज पार करके उस तरफ जाने को बोलता है, मगर विक्टर को हाइट से बहुत डर लगता था इसलिए वो ठीक से पार नहीं कर पाता। वहां खड़े दूसरे बच्चे विक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं और ये देख विक्टर वहां से भाग जाता है। विक्टर को संभालने के लिए वोचिक उसके पास जाता है, मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर भूकंप भी आने लगते हैं और वो दोनों जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर एक क्रैक बन जाता है। अब वोचिक किनारे पर लटक जाता है और विक्टर से मदद मांगने लगता है, मगर तभी अचानक विक्टर के पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। विक्टर अब एक अलग ही दुनिया में 1000 साल पीछे टाइम में पहुंच जाता है। इससे पहले कि विक्टर उस पोर्टल में वापस पहुंचता वो अपने आप बंद हो जाता है। तभी विक्टर को वहां पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पर उसे एलेश्को नाम का एक आदमी फूल इकट्ठा करता हुआ दिखाई देता है जो वो अपने माशूक के लिए इकट्ठा कर रहा था। तभी एलेश्को के पीछे कुछ काले कपड़े पहने हुए सैनिक पड़ जाते हैं। एलेश्को अपनी तलवार और शील्ड निकालकर उन सैनिकों से अकेले लड़ने लगता है, मगर तभी उन सैनिकों का लीडर वहां पर आ जाता है और एलेश्को से लड़ने लगता है। पर एलेश्को उनके लीडर के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कुछ ही देर में वहां के सारे सैनिक अपने तलवार के नोक पर एलेश्को को घेर लेते हैं। ये देख विक्टर एलेश्को की मदद करने की सोचता है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे रोल होता हुआ गिर जाता है। यह आवाज सुन उन सैनिकों का लीडर अपने सिपाहियों को जाकर वहां पर चेक करने को बोलता है। जब ये सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं तो एलेश्को छुपके से वहां से भाग जाता है। वहां से घोड़ा लेकर भागते समय एलेश्को को विक्टर दिखाई देता है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर एक नदी के किनारे पहुंचता है और वेल्लस नाम के एक क्रिएचर को आवाज लगाता है जो उसी नदी में रहता था। वो क्रिएचर पानी के ऊपर आता है और एलेश्को को पानी के ऊपर से जाने के लिए एक रास्ता बनाकर देता है। अब एलेश्को बड़े आसानी से नदी के उस पार पहुंच जाता है, मगर जब वो सिपाही एलेश्को को पकड़ने पानी में उतरते हैं तो वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। आगे एलेश्को विक्टर को लेकर एक फोर्ट तक पहुंचता है और बेहोश हुए विक्टर को सबके सामने पेश करता है। एलेश्को वहां के सभी लोगों से कहता है कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है वरना उनके दुश्मन उसे पकड़ लेते। एलेश्को बताता है कि एंडैक अपने सिपाहियों के साथ उसे वहां पर पकड़ने के लिए आया था। वहां खड़ा एक आदमी विक्टर के मुंह पर पानी मारता है। होश में आते ही विक्टर अपने दोस्त वोचिक का नाम लेने लगता है। विक्टर के बात करने के तरीके को सुनकर वहां के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वहां के लोगों को लगता है कि विक्टर शायद एक स्पाई होगा, मगर वहां खड़ा एक बुजुर्ग आदमी सबसे कहने लगता है कि उन्हें अगले दिन वेल्लस नाम का क्रिएचर विक्टर के बारे में सब बता देगा। सुनने में ऐसा लगता है जैसे वेल्लस एक बहुत ही एडवांस क्रिएचर है जिसके पास सुपर पावर्स है। अब वहां के गार्ड्स विक्टर को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंडैक एक शामन से मिलता है। शामन का मतलब होता है जादूगर जिसके पास अजीबोगरीब सुपर पावर्स थी। एंडैक उस शामन से पूछता है कि वो एलेश्को को पकड़ने ही वाला था, मगर सही समय पर वहां पर एक लड़का आ गया जो यहाँ का नहीं था और उसने कपड़े वगैरह भी अजीब किस्म के पहने थे। यह सुनकर वो शामन आग में कुछ डालता है और उस आग में एक क्रिएचर दिखाई देता है। ये वही क्रिएचर था जो विक्टर के जैकेट पर बना हुआ था। शामन कहने लगता है कि ये लड़का इस दुनिया का नहीं है और इस लड़के की मदद से वो अजीबोगरीब सुपर पावर्स हासिल कर सकते हैं। वही विक्टर के पिंजरे के पास ओलेंका नाम की एक लड़की आती है और उसे पीने के लिए दूध देती है। विक्टर ओलेंका से पूछता है कि कौन सा साल है, जिस पर ओलेंका कहती है कि ये साल 1120 AD है। इससे पहले कि विक्टर ओलेंका से कुछ पूछ पाता वहां पर एलेश्को आ जाता है। एलेश्को विक्टर से कहता है कि तुम्हें एक बार नदी के पास जाकर वेल्लस से मिलना होगा। अगले सीन में विक्टर पानी में जाकर वेल्लस क्रिएचर से मिलता है, मगर वेल्लस क्रिएचर उसे पानी से बाहर ढकेल देता है। एलेश्को कहता है कि अगर वो एक स्पाई होता तो उसे वेल्लस मार देता, मगर वेल्लस ने उसे नहीं मारा इसलिए वो उनके साथ रह सकता है। आगे विक्टर वहां के लोगों को बताने लगता है कि वो इस दुनिया का नहीं है, मगर कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता।
विक्टर उन्हें एक मेगाफोन भी दिखाता है जो गलती से उसके साथ इस दुनिया में आ गया था। यह सब देख वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना होगा। तब तक वो मेलंका के यहाँ पर रह सकता है। आगे एलिश को विक्टर को लेकर मेलंका के यहाँ पर जाता है। वहाँ पर एलिश को की क्रश रोजैंका भी होती है जो मेलंका की बेटी थी। अब विक्टर आराम करने के लिए चले जाता है और वही एलिश्को के साथ आए लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। रात होती है और विक्टर वहाँ पर आ जाता है। उस गांव का एक बुजुर्ग ऑब्जर्व सभी से कहने लगता है कि वो वेल्लस से मिलने पानी के अंदर गया था। वेल्लस ने उसे बताया कि जब सूर्य ग्रहण होता है और अंधेरा छा जाता है तो एक पोर्टल ओपन होता है और यही पोर्टल विक्टर को वापस उसके टाइमलाइन में भेज सकता है। यह सुनकर विक्टर पूछता है कि अगला सूर्य ग्रहण कब होने वाला है। बदले में ऑब्जर्व कहता है कि यह ग्रहण चाहे तो कल भी हो सकता है या फिर 100 साल बाद, मगर वो इस पोर्टल को मैजाई की मदद से भी खोल सकते हैं। मैजाई का मीनिंग होता है मैजिशियन। ये सुन एलिश को कहता है कि उसे एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर बहुत सारे मैजाई रहते हैं। अगले दिन विक्टर वहाँ के लोगों की और चीजों की फोटोग्राफ्स ले रहा होता है, तभी वहाँ पर एलिश को आ जाता है। विक्टर एलिश को से पूछता है कि क्या वो उसे मैजाई के पास ले जा सकता है, क्योंकि वो वापस अपने दुनिया में जाना चाहता है। बदले में एलिश को कहता है कि उसे मैजाई से मिलने के लिए एक टेस्ट को पूरा करना होगा। एलिश को आगे विक्टर को घोड़े पर चढ़ने को बोलता है और विक्टर जब घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि उसे उससे डरने की जरूरत नहीं। एलिश को विक्टर से कहता है कि इस आदमी का नाम टुगैरिन है जो अंडक का एक सिपाही है और उन्होंने इसे पकड़कर यहाँ पर कैद करके रखा है। वो आगे विक्टर को तलवार चलाना सिखाने लगता है। एलिश को कहता है कि वो तलवारबाजी में और तीर चलाने में एक्सपर्ट है। यह सुनकर विक्टर उससे कहने लगता है कि वो उसे भी तलवारबाजी और तीर चलाना सिखाए, जिस पर एलिश को कहता है कि वो उसे यह सब सिखा देगा मगर उसे बदले में उसका मेगाफोन देना होगा, जिसके लिए विक्टर मान जाता है। अगले दिन एलिश को विक्टर को ट्रेनिंग देने लगता है और कुछ देर बाद विक्टर के फोन से वहाँ के चीजों की और खुद की सेल्फी लेने लगता है। आगे तलवारबाजी सीखते वक्त विक्टर के हाथों एलिश्को को चोट लग जाती है। विक्टर बताता है कि उसके दुनिया में एलिश्को के बारे में एक फेरी टेल है जिसमें बताया गया है कि एलिश्को एक बहुत ही बढ़िया तलवारबाज और तीर चलाने वाला शख्स है। यह सुनकर एलिश्को सोचता है कि यह फेरी टेल वाली बात वो रोजैंका को बताकर उसे इम्प्रेस कर सकता है। अब विक्टर एलिश्को के हाथ के नीचे रहकर तलवारबाजी अच्छे से सीख लेता है और वो अब एलिश्को को अपना मेगाफोन दे देता है, जिसके साथ एलिश्को थोड़ी देर के लिए टाइम पास करता है। वही दूसरी ओर वो शामन सारे बर्ड्स और कब्बों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें विक्टर को ढूंढ निकालने को बोलता है। अगले दिन विक्टर अकेले एक बो और एरो लेकर मैजाई को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे फॉरेस्ट में ओलेंका दिखाई देती है जो वहाँ मशरूम तोड़ने आई थी। विक्टर ओलेंका से कहता है कि वो घर जाना चाहता है, क्या वो उसे पहाड़ी वाले इलाके तक ले जा सकती है। ये सुन ओलेंका उसे पहाड़ियों की ओर ले जाने लगती है, मगर उन दोनों को वहाँ चलते हुए शामन का एक कौवा देख लेता है। आगे विक्टर उस मैजाई वाले इलाके में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसकी कॉन्शियसनेस एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। विक्टर देखता है कि वो जमे हुए एक तालाब के ऊपर खड़ा हुआ है। विक्टर अब मैजाई से पूछता है कि वो वापस अपने रियलिटी में कैसे जा सकता है, वो भी बिना सूर्य ग्रहण के। बदले में मैजाई कहता है कि उसे सबसे पहले अपने डर से लड़ना होगा और बहादुर बनना होगा। विक्टर कहता है कि उसके माँ बाप की कार एक ब्रिज से नीचे गिरी और वो भी उस कार में बैठा हुआ था, इसलिए उसे हाइट से डर लगता है। आगे मैजाई कहता है कि उसे पेरू स्टोन को भी ढूंढना होगा, जिसकी मदद से वो कितने भी साल टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, मगर पेरू स्टोन को ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये बात विक्टर ओलेंका को बताता है कि मैजाई ने उसे पेरू स्टोन ढूंढने को बोला है। ये सुनकर ओलेंका उसे स्टॉर्क विलेज लेकर जाती है जहाँ पर भले और अच्छे लोग रहते थे। वहाँ के नदी में कूद कर विक्टर पेरू स्टोन को हासिल कर लेता है, मगर ये सब वहाँ बैठा एक कौवा देख लेता है और ये सारी बात शामन को बता देता है। देखते ही देखते वहाँ पर अंडक के सिपाही आकर उस गांव के मासूम लोगों को मारने लगते हैं और वहाँ के झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। इस आग से निकल रहे धुएं को स्ट्रांग होल्ड कम्युनिटी के लोग देख लेते हैं, मतलब एलिश्को के सिपाही, इसलिए वो अपने सिपाहियों को लेकर स्टॉर्क विलेज की ओर रवाना हो जाते हैं। वही विक्टर और ओलेंका अंडक के सिपाहियों से किसी तरह बचकर वापस अपने कम्युनिटी पर पहुंच जाते हैं। उस कम्युनिटी का बुजुर्ग आदमी जिसका नाम ऑब्जर्व था, वो ओलेंका और विक्टर को डांटने लगता है क्योंकि वो दोनों बाल बाल मरते मरते बचे, मगर उस कम्युनिटी का लीडर इलिया कहता है कि विक्टर को वापस उसके दुनिया में जाना होगा और वो यहाँ उनके साथ नहीं रह सकता। आगे
ऑब्जेविल या विक्टर और ओलेंका उसी स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां विक्टर उस पोर्टल से यहां पर पहुंचा था। वो लोग आगे उस पेरू पत्थर को वहां के बड़े से पत्थर में डालकर पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर पोर्टल ओपन नहीं होता। विक्टर कहता है कि मैं जैने बताया कि उसे हार्ट्स के जुड़ने पर यह पेरू स्टोन बड़े से पत्थर में डालना होगा, तभी वो खुलेगा, मगर उसे पता नहीं कि मैं जाए किन हार्ट्स के जुड़ने की बात कर रहा था। ये सुन ऑब्जेव कहता है कि उन्हें इस पेरू स्टोन को एक्टिवेट करना होगा, तभी वो पोर्टल खुलेगा, मगर सबसे पहले उन्हें इस पेरू स्टोन को कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में पता लगाना होगा। वापस कम्युनिटी पर पहुंचने के बाद विक्टर एक पेपर की एरोप्लेन बनाता है और ऑब्जेव को एरोडायनामिक्स के बारे में समझाने लगता है। ऑब्जेव कहता है कि वो हमेशा किसी इंसान को उड़ता हुआ देखना चाहता था। अब ये दोनों मिलकर एक प्लेन बनाने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद इलिया वहां पर आता है और ऑब्जेव को बताने लगता है कि अंडक के एक सिपाही को उन्होंने पकड़ा था और उसे पूछताछ की थी। उन्हें पता चला कि अंडक विक्टर के पास मौजूद उस पेरू स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये स्टोन अंडक के हाथों लग गया तो वो इसकी पावर से सारे बुरे कामों को अंजाम देगा। यह सुनकर ऑब्जेव और विक्टर उस स्टोन को कहीं छुपा देने का सोचते हैं, मगर स्टोन को छुपाने के बाद उन्हें वो स्टोन नहीं मिलता। आसपास देखने पर उन्हें एक औरत उस स्टोन से मसाले पीसते हुए नजर आती है। आगे ये दोनों उस पेरू स्टोन को स्टोन टावर के ऊपर छुपाने की सोचते हैं, मगर विक्टर को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। ये देख ऑब्जेव उससे कहने लगता है कि वो अपने डर पर जीत हासिल कर ले, क्योंकि अपने डर से दूर भागने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर विक्टर को थोड़ी हिम्मत आ जाती है और ये दोनों स्टोन टावर के ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद ऑब्जेव उस स्टोन को वहां के पत्थरों में छुपा देता है और वही विक्टर ऊंचाइयों को देख अपना दिल मजबूत कर लेता है और अपने डर पर काबू पा लेता है। रात के समय वहां पर जोरदार तूफान आता है और वो पेरू स्टोन स्टोन टावर से नीचे गिर जाता है। ये पेरू स्टोन वहीं पर गिरता है जहां पर टुगेरिन था। टुगेरिन इस पेरू स्टोन को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। जब इस बात की खबर ऑब्जेव और विक्टर को लगती है तो वो दोनों अपने प्लेन को बनाने में लग जाते हैं, ताकि वो इसकी मदद से अंडक के इलाके में जाकर वो स्टोन वापस ला सके। आगे ओलेंका, विक्टर और ऑब्जेव मिलकर उस प्लेन को लेकर क्यूमिन कैंप पर पहुंचते हैं और पेरू स्टोन को चुरा लेते हैं, मगर बीच रास्ते में विक्टर को अंडक के सिपाही पकड़ लेते हैं। विक्टर को बचाने के चक्कर में अंडक का सिपाही ऑब्जेव के पेट में चाकू मार देता है। विक्टर ऑब्जेव को लेकर अपने कैंप पर वापस पहुंचता है और ऑब्जेव के हालत को देख वहां के सभी लोग रोने लगते हैं। मरने से पहले ऑब्जेव विक्टर से कहता है कि वो किसी भी तरह उसकी पोती ओलेंका को बचा ले जो अंडक के कब्जे में है। वही क्यूमिन कैंप पर अंडक के गार्ड्स जब अपना जाल हटाते हैं तो उन्हें ओलेंका दिखाई देती है। अंडक ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्हें विक्टर को पकड़ना था। अब विक्टर अकेले ही क्यूमिन कैंप पर ओलेंका को बचाने के लिए चले जाता है। अंडक और शामन विक्टर को वो पेरू स्टोन एक्टिवेट करने को बोलते हैं, वरना वो लोग ओलेंका को मार देंगे। आगे विक्टर पेरू स्टोन को एक्टिवेट करने के बहाने वहां पर बहुत सारा धुआं करता है और बैग से फटाके निकालकर वहां पर फोड़ने लगता है। अब विक्टर ओलेंका को लेकर वहां से भाग ही रहा होता है कि उसे अंडक के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। आगे अंडक कहता है कि अगर उसने पेरू स्टोन को एक्टिवेट नहीं किया तो वो लोग ओलेंका के हजार टुकड़े कर देंगे। ये सुन विक्टर ओलेंका के हाथ से हाथ मिलाता है ताकि वो उससे उसके ग्रैंडफादर ऑब्जेव के बारे में माफी मांग सके, मगर इन दोनों के करीब आते ही वो पेरू स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि मैं जैने बताया था कि जब दो हार्ट्स आपस में जुड़ेंगे तो ये स्टोन एक्टिवेट हो जाएगा। स्टोन के एक्टिवेट होते ही एंडक टगैरिन को विक्टर और ओलेंका को मार देने को बोलता है, मगर टगैरिन विक्टर और ओलेंका के हाथ खोलकर उन्हें वहां से भाग जाने को बोलता है, क्योंकि जब टगैरिन उनके यहाँ कैद था तो विक्टर ने उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था। जब ये बात अंडक को पता चलती है तो वह टगैरिन को खत्म कर देता है। अगली सुबह अंडक अपनी आर्मी लेकर स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी की तरफ बढ़ने लगता है। उनके आर्मी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी होता है जो पत्थर से बना हुआ था, मतलब शामन पेरू स्टोन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी के लोग उस मॉन्स्टर को आग से मारने की कोशिश करते हैं, मगर इसका उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। यह कैलेश को उसे नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबा देता है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। ये देख विक्टर पोर्टल के पास जाने लगता है ताकि वो वापस अपने दुनिया में पहुंच सके। वही स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी के सभी मेड और औरतें मिलकर अंडक की आर्मी से लड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो जल्दी से स्टोन टावर पर चढ़कर प्लेन लेकर शामन के पास पहुंच जाता है और उसके पास से वो पेरू स्टोन छीन लेता है, मगर तभी वहां पर अंडक भी आ जाता है और विक्टर को वो स्टोन उसे वापस दे देने को बोलता है।
पर तभी एलिश को भाग कर एंडक से फाइट करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। वह विक्टर वो पत्थर पासी के एक नदी में फेंक देता है। अब फाइट खत्म होने के बाद विक्टर और एलिश को पहाड़ियों वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर विक्टर एलिश को रोलिंका को गुड बाय बोलकर वहां के पोर्टल से अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। अपने टाइमलाइन में पहुंचते ही वो तुरंत अपने दोस्त वाउची को बचा लेता है जो ऊपर से नीचे गिरने वाला था। यहाँ में पता चलता है कि यहाँ का एक मिनट पोर्टल के उस पार एक दिन के बराबर है, मतलब यहाँ पर टाइम डायलेशन वाला सीन था। विक्टर के बहादुरी को देखकर बाकी सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और इसी सीन के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।